जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आशीष आई के आई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड आशीष। आज बात करेंगे पूरे भारत में जो है CITS पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ कहाँ हैं, और जो है कि उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे, और कितना फीस लगेगा वो भी बताएंगे, और कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट हैं, अच्छी पढ़ाई होती है, तो सारा डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊँगा, यानी सारा डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। और जल्दबाजी मत करिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिए तब जाके कॉलेज में एडमिशन लीजिए। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ताकि जब CITS इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आए तो आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाए सबसे पहले, ठीक है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं जी, ये तो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, पर यहाँ पर थोड़ा फीस बेसिक लगता है। यहाँ पर जो है कि 4-5 हज़ार रुपये महीने फीस है। तो आप जो है कि देखिए, ये जो एक कॉलेज है जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भोपाल में पड़ता है। देखिए, एड्रेस भी पूरा दिया हुआ है और कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पे जाके जो है कि कॉन्टेक्ट नंबर से जो है कि फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं कि कितना वहाँ पे फीस है, क्या क्या फैसिलिटी है, सारा चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगा। और जो है कि दूसरे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश में कॉलेज है लखनऊ में, इसका भी पूरा एड्रेस दिया गया है और जो है कि कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, तो आप जो है कि जानकारी ले सकते हैं फ़ोन करके। और तीसरे नंबर पे जो कॉलेज है ये जो है उड़ीसा में है, एड्रेस पूरा दिया गया है और जो है कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है। और चौथे नंबर का जो कॉलेज है कर्नाटका में है, आप देख सकते हैं, और जो है कि इसका जो है कि फ़ोन नंबर पूरा दिया गया है, आप जो है कि फ़ोन नंबर से भी जानकारी ले सकते हैं। और जो है कि पांचवा कॉलेज है, देखिए पांच कॉलेज है हरियाणा में, ये जो कॉलेज है रोहतक हरियाणा में कॉलेज है, रोहतक हरियाणा में, और जो है कि कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, आप जो है कि फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, कितना वहाँ पर फीस लगेगा। वैसे आप जो है जान लीजिए 3-4 हज़ार रुपया महीना इसका फीस है, यही लगता है। फिर देखिए, आपको जो है पब्लिक कॉलेज के बारे में बता दे रहे हैं, जो है कि देखिए पब्लिक कॉलेज पूरे जो है कि 12 पब्लिक कॉलेज हैं पूरे भारत में। आप जो है कि यहाँ से पे भी अच्छी पढ़ाई होती है, थोड़ा सा पे कर भी कम होता है, पर जो है कि जो होता है अच्छा होता है। अब जो है कि इसका फीस के बारे में बात कर दें तो इसका फीस जो है कि एक साल का जो है कि 1 लाख रुपये चाहे 80 हज़ार रुपया लगता है। 80 हज़ार किसी किसी में जो है कि 60 हज़ार में हो जाता है, मतलब कि जो जो जैसे जैसे कॉलेज हैं वैसे वैसे इन सब का फीस है। तो आज मैं उस सब कॉलेज के लिस्ट जो है कि नाम बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे है। देखिए, पहला जो कॉलेज है हरियाणा में है, दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश में है, तीसरा जो कॉलेज है वो जो है हरियाणा में है। देखिए जो है कि जीमेल दिया हुआ है, आप जो है जीमेल से भी करके जो है कि पता कर सकते हैं। जीमेल से भी जो भी जानकारी चाहिए वहाँ से जीमेल करिए कि सर जो है कि हमको ही परेशानी है, यही जानकारी चाहिए, तो वो आपको जीमेल से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और जो है कि मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, आप जो है कि फ़ोन करके भी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं कि सर जो है कि कितना फीस है और क्या क्या जो है कि आपके कॉलेज में फैसिलिटी है, पढ़ाई होती है कि नहीं, सारा डिटेल जो है आप जो है कि पूछ सकते हैं। और वैसे ही आ जाइए, देखिए पाँचवें नंबर का जो कॉलेज है उत्तर प्रदेश में है, इसका भी जो है कि एड्रेस जीमेल दिया गया है और जो है कि फ़ोन नंबर भी दिया गया है, आप जो है कि देख सकते हैं। वैसे ही सातवें नंबर पे है जो कॉलेज पंजाब में है, इसका भी जीमेल दिया गया है और जो है कि फ़ोन नंबर भी दिया गया है। वैसे ही आप देख लीजिए आठवें नंबर पर जो है कि कॉलेज पंजाब में है ये भी, और जो एजीमेंट दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है। और दसवें नंबर पे जो है कॉलेज उसका भी एजीमेंट दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, यानी जो है कि आप कॉन्टेक्ट पे करके जो है कि पूरा जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। वैसे ही आप देख लीजिएगा बहुत सारे जो है कि 12 कॉलेज हैं जो पब्लिक कॉलेज हैं, यहाँ से जाके आप जो है कि एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा ही पढ़ाई वहाँ पर भी होता है, थोड़ा जो है खर्चा बेसिक लगता है, इसलिए जो है लोग जो है कि पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। तो
आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।